हमारे बीटीएस के मेंबर जल्दी ही मिलिट्री में जाने वाले थे और उन्होंने लाइव आकर अपना लाइव स्ट्रीम आखिरी बार आर्मीज के साथ शेयर भी किया था, जिसको देखकर आर्मीज काफी इमोशनल हो गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइनली आज वो दिन है जिस दिन हमारे जे होप मिलिट्री में एनलिस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यही नहीं बल्कि कल जे होप ने आर्मीज के साथ आकर अपनी आखिरी पोस्ट को शेयर किया, जिसके बाद आर्मीज काफी ज्यादा सैड है। और दोस्तों, जे होप ने आर्मीज ने आखिरी बार क्या कहा ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बीटीएस के मेंबर जे होप को आर्मीज की सनशाइन माना जाता है, और जिनको मून, फाइनली हमारे मून और सन एक दूसरे से मिल चुके हैं क्योंकि जे होप मिलिट्री में जा चुके हैं। काफी समय से आर्मी चाहती थी कि देर से ये वक्त आए, लेकिन फाइनली ये वक्त आ चुका है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तो जे होप ने अपने बाल थोड़े से छोटे करवाए थे, लेकिन अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने अपने सबसे छोटे मिलिट्री कट हेयर स्टाइल में आर्मीज के साथ अपनी फोटो को शेयर किया, जिसको देखकर आर्मीज काफी सैड हो गई थी। दोस्तों, यही नहीं बल्कि जे होप ने इंस्टाग्राम और वीवर्स दोनों पर ऑनलाइन आकर पोस्ट करी और आर्मीज को आई लव यू भी बोला। जे होप का कहना था कि वो जाकर जल्दी ही सेफली वापस आ जाएंगे, और यही बात उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लिखी थी, आई हैव अ सेफ ट्रिप, यानी वो एक अच्छी ट्रिप पर जा रहे हैं जहां पर जल्दी वापस आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, आर्मीज इस पोस्ट को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अब जिनके बाद फाइनली हमारे जे होप भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। आर्मीज बस यही चाहती हैं कि जे होप अच्छे से हेल्दी रहें और बहुत ही अच्छे से अपनी मिलिट्री सर्विसेज को पूरा करें। हालांकि दोस्तों, कुछ आर्मीज का कहना है कि उनको जे होप की थोड़ी कम टेंशन है क्योंकि जिन ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, कल ही जिन भी ऑनलाइन आए थे और उन्होंने जे होप की पोस्ट पर डे वन ऐसा लिखकर कमेंट भी किया था, यानी सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है उनकी मिलिट्री एनलिस्टमेंट को, ये जिन कहना चाहते थे। और फाइनली आज जे होप की मिलिट्री एनलिस्टमेंट की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। जहां आर्मीज बीटीएस के मेंबर्स को मिस कर रही थी, वहीं ऐसा लगता है कि हमारे जिमिन फिर से जे होप को सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए सामने आए, क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से जिन के साथ अपनी फोटोज जिमिन ने शेयर करी थी, उसी तरीके से जे होप के पोस्ट करने के बाद जिमिन ने भी व्यूवर्स पर आकर पोस्ट करी, जहां पर उन्होंने जे होप के साथ फोटोज खिंचवाई थी और एक पर्पल हार्ट कैप्शन में डाला हुआ था। ऐसा लगता है कि जिमिन अपने ह्यूंग्स को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब जिन गए थे तब जिमिन ने अपनी डीपी चेंज करके जिन के साथ फोटो लगा दी थी, और जब जे होप जा रहे हैं तो जिमिन ने उनके साथ फोटो पोस्ट करी। आर्मीज का कहना था कि ये सब देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, और काफी सारे आर्मीज तो चाहती हैं कि ये एक बुरे सपने की तरह जल्दी ही खत्म हो जाए। बट हम इंतजार करेंगे 2025 का, जब हमारे बीटीएस के सभी मेंबर्स यूनाइट होंगे और हम आर्मीज के पास वापस आ जाएंगे। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि जे होप के लिए आपका क्या मैसेज है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।